स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें चल रहा है हमारा ज्योग्राफी। इससे पहले मैंने लुसेंट का सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट कर दिया है और इस बुक का भी लगभग कंप्लीट है आपका। ज्योग्राफी में भी बहुत सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का झील, काफ़ी छोटा टॉपिक है। चलो तेजी से कम्प्लीट करते हैं इसको। अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न हैं। चलो पहला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपका वुल्लर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की या साफ पानी की झील तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर भारत का जिक्र किया जा रहा है, सबसे बड़ी लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील है मेघालय में, उमियम झील है मेघालय में। देखो मेघालय में उमियम झील आपसे एग्जाम में कम पूछने का चांस होता है, वैसे याद रखो मेघालय में ग्यारह खासी जयंतिया नाम से ही पूछा जाता है, चाहे वो जनजाति हो, पहाड़ हो, झील हो या फिर वहाँ का कोई पार्क हो। तो ग्यारह खासी जयंतिया, तीनों शब्द याद रखो, उसी से रिलेटेड टिकाए मेघालय में टिक लगाना है, बस वही पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध लैंगून चिल्का झील किस राज्य में है? ये एक अच्छा प्रश्न है। लैंगून चिल्का झील है उड़ीसा में। देखो लैंगून झील होता है क्या, ये पहले समझ लो। लैंगून झील ऐसा झील होता है जो मरुस्थल में पाया जाता है, लेकिन ये है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कम मरुस्थल है, फिर भी वहाँ पे लैंगून झील है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसको फिर से करते हैं एक बार। प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का जो प्रसिद्ध लैंगून झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में लैंगून झील, मैंने बताया कि ये मरुस्थल एरिया में होगा, जहाँ पे डिजर्ट होता है ना, वहाँ पे होता है ये लैंगून झील, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लैंगून झील कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील है महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। विश्व खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस प्रकार का झील है? तो खारे पानी का झील है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। देखो खारे पानी का झील भी होगा जहाँ पे मरुस्थल होगा। अगर पूछते दुनिया का सबसे बड़ा मीन्स खारे पानी का झील कौन सा होगा, तो उसका नाम ही है डेड सी, मीन्स मृत सागर हिंदी में कहते हैं उसको, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, बेम्बा नद झील किस नदी में स्थित है? बेम्बा नद झील है केरल में, केरल में बेम्बा नद झील केरल में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आसान सा प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, कोलेरू है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी में निर्मित है? चंबल, चंबल। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे मीन्स कौन सा गलत है, ये आपको फाइंड करना है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये सही है। चिल्का झील ये कहाँ पे? उड़ीसा। पुष्कर झील राजस्थान। तो बेम्बा नाथ झील अभी हम पढ़े थे केरल में था, ये गलत है आपका। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा और पुष्कर झील राजस्थान, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा गलत है इसमें? तो लोकटक झील मणिपुर सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर। लोनार झील है महाराष्ट्र। सांभर झील है राजस्थान। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा गलत है, ये आपको फाइंड करना है। तो बेम्बा नद केरल सही है, पुलिकट आंध्र प्रदेश ये भी सही है, कोलेरू था आंध्र प्रदेश यहाँ पे गलत है, चिल्का उड़ीसा ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? ये है आपका स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है, मीन्स कौन सा एक लैंगून झील इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अष्टमुड़ी नहीं है, अष्टमुड़ी नहीं है, जबकि चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील ये सब क्या है? लैंगून झील है। याद रखना पेरियार झील होगा या पेरियार कुछ भी हो, नदी हो, परियोजना हो, जो भी हो, आपको केरल पे टिक लगाना है। पेरियार वर्ल्ड ऑफ सेंचुरी भी हो तो केरल में ही टिक लगाना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा यहाँ पे गलत है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सांभर झील राजस्थान ये सही है, लोनार झील मध्य प्रदेश ये गलत है, चिल्का उड़ीसा सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश ये भी सही है, यहाँ पे आंसर बी गलत है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील स्थित है? ये हुसैन सागर, हुसैन सागर। आंसर क्या है यहाँ पे? डी। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो सांभर झील राजस्थान ये सही है,
चिल्का झील उड़ीसा, ये भी सही है। लोनर झील मध्य प्रदेश में नहीं, सेम रिपीट प्रश्न, यहाँ भी गलत क्या था, यहाँ भी गलत है। कोलेडू झील, ये 16 नंबर 18 नंबर दोनों सेम प्रश्न हो गया। चलो आगे बढ़ लो। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है, ये तो आप टिक लगा लोगे। अब चिल्का झील, चिल्का उड़ीसा में प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये कहाँ है, उड़ीसा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। तो टोटल 21 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।